Dr. Ravikant Singh. Yes, sir. Distinguished Australian High Commissioner Honorable Barry O'Farrell. Distinguished ladies and gentlemen. और मसाड़ी फतवा बख्तियारपुर के मेरे सारे प्रिय नागरिक, मेरे वोटर्स, मेरे अपने, आप सबों को आपके सांसद का नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर, आपने हिंदी में हमें अभिनंदन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई कैन ओनली टेल यू दैट Australia India's relationship is at a new high, and the present intervention by you and the kind words you have used is a reinforcement of that extraordinary relationship of friendship, mutual trust and cooperation. Dr. Ravikant, aapka bahut abhinandan. Jab bhi main masadi jata hu to aapke aspatal ko dekhta hu. Hamare har मसाड़ी के आसपास के लोग आपके अस्पताल की चर्चा करते हैं, अच्छी चर्चा करते हैं। एक दो बार रुका भी हूं, आपने सही कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में स्वयं आने की बहुत इच्छा थी, लेकिन जो कोरोना की स्थिति हुई, सोशल डिस्टेंसिंग, और एक मैं हमेशा हल्के तरीके से कहता हूं कि कोरोना में हवाई जहाज बंद है, सड़क बंद है, रेल बंद है, लेकिन मेरा सारा विभाग चलता है, आईटी, मोबाइल, कम्युनिकेशन, पोस्टल, और आज जो हम आप बात कर रहे हैं कि तो मेरे ही विभाग का बातचीत चल रही है ना, इंटरनेट तो मेरा ही विभाग है, तो बीच में थोड़ी मुझे चिंता भी हुई, लेकिन चलिए इतने रिमोट एरिया में कोविड की चुनौती के बीच मसाड़ी से, दिल्ली से, शिकागो से, इतनी ऑस्ट्रेलिया से इतनी अच्छी बातचीत हो रही है, तो ये डिजिटल इंडिया की विजय है। मुझे आपका अभिनंदन करना है, आपने डॉक्टर्स फॉर यू बनाया, और मुंबई और बाकी विदेश में पढ़ने के बावजूद आपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिले इसकी कोशिश की, और आज कोविड के लिए स्पेशल फैसिलिटी बन रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे जो चुनाव क्षेत्र के हमारे मतदाता हैं, उनको ये जो अस्पताल बना है जिसमें कोविड की विशेष सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, वो हमारे मतदाताओं को उनके स्वास्थ्य की चुनौती, कोविड की चुनौती में पूरा सहयोग करेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि जितना अधिक सहयोग होगा मेरी तरफ से, रविकांत जी, आप सीधा मुझे बता सकते हैं अपने चुनाव क्षेत्र में, मैं आपसे कह सकता हूं कि एम्स कोविड का डेडिकेटेड अस्पताल बने, इसके लिए मैंने प्रयास किया। पीएमसीएच में 100 बेड का अस्पताल खुला है, इसमें लगा रहा मैं। बाकी एनएमसीएच की व्यवस्था को और सुधारा जाए, पटना में और टेस्टिंग शुरू हो, और हमारे जो मतदाता बैठे हैं बख्तियारपुर में, फतुआ में, खुसरूपुर में, दनियावा में, ये हर जगह टेस्टिंग शुरू हो, इसमें मैं लगा रहा, और आज सब जगह टेस्टिंग शुरू हो गई है। कोविड एक चुनौती है, हम सबों को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है, अंदर की हिम्मत देखनी है। मैं आपको बताऊं कि मैं भी थोड़ा आइसोलेशन में जाना पड़ा था मुझे, क्योंकि अमित शाह जी के साथ एक मैं बैठक में था, अपने वोटर्स को मैं बता दूं, 2 तारीख को उनका पॉजिटिव आ गया और मैं 1 तारीख को उनके साथ बैठक में था। तो नियम आप लोग जानते हैं कि अगर किसी पॉजिटिव के साथ आप गए, एक आध घंटा बैठे, तो फिर आपको आइसोलेशन में जाना पड़ता है, वरना तो मैं अपने क्षेत्र में पहले ही आने वाला था, लेकिन मैंने टेस्ट कराया तो मैं बिल्कुल नेगेटिव पाया गया, मैं रोज काम भी कर रहा था। तो हमारे वोटर्स का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मस्त हूँ, उत्साहित हूँ, और देश के लिए काम कर रहा हूँ। और हमारे जो वोटर बैठे हैं उनको मालूम है, कुछ बहादुरी का भी काम करता हूं, कुछ चीन के ऐप को भी बैन करता रहता हूं, ठीक है ना, खबर मिलती है ना आप लोगों को, तो देश के लिए वो भी काम करता रहता हूं। तो आप सबों का बहुत अभिनंदन, डॉक्टर रविकांत, आपका अस्पताल सफल हो, आगे बढ़े, मैं आपके संकल्प और हिम्मत की बहुत अभिनंदन करता हूं।
Now my friends from the Honorable High Commissioner and all my friends from across the world, from Chicago and other places who have joined in, you need to understand, in India, our approach is one of inclusion. There must be inclusive development. Whether it is Digital India, which I head, Digital India means digital inclusion, bridging the digital divide. The COVID challenge has also posed a serious issue to us. It is a global challenge, Mr. High Commissioner friends. And it is a trying time, challenging time. It is going, it is coming, as the High Commissioner of Australia rightly stated. The only silver lining is that India's population is 1.3 billion plus, 130 crore plus. Yet, any death is unfortunate, but death in India has been close to 44,386. And if we exclude China, because China's numbers are not trustworthy, if we take the about 15 bigger countries, America, England, Australia, Brazil, Russia, France, Italy, Germany, their population is total 1.42 billion. And there the death is 7.28 hundred thousands. As I said, death anywhere is bad. What is assuring for us in India is that the number of recovery is very good. It is close to 68%. And that, I would say, the inherent strength of Indians, the inherent immunity of Indians. जो हमारे गांव के लोग बैठे हुए हैं ना, ये सुबह सुबह खेतों में टहलते हैं, व्यायाम भी करते हैं, दूध भी पीते हैं, डॉक्टर रविकांत से कभी कभी लड़ भी जाते हैं, बहस भी करते हैं, तो उनकी अंदर की मजबूती बहुत अच्छी है. बट इट इज अ चैलेंज फॉर अस मिस्टर हाई कमिश्नर, हाउ डू वी एड्रेस द हेल्थ चैलेंजेस कीपिंग inclusion in mind. It reaches the poorest of the poor. It reaches the deprived and the marginalized. If we see that aspect, I'm very happy that today what Ravikant has done in my constituency of Masadi, a remote part of Patna town, village, is something very praiseworthy. And I welcome the contribution given by all of us, all of you, to make it solar paneled, less charge on electricity and other assistance to create a good facility. I would expect that this will continue to be there. And Nachiket, one request to you. I hope you are hearing me. I know you very well. In IT sector also you all have done. Masadi is in my Lok Sabha constituency, remember. If I work so much for India, for you people, for IT, for electronics, good you all are doing, do something more for Masadi, for my constituency. That is my request to you. Okay? I hope you understand. I am very, very particular about my constituency also. They have elected me by more than nearly 3 lakh votes. Therefore, it is my duty to work for them. Therefore, I am appealing to you, okay, as the local MP. So please take care. Ravikant, अब मुझे आपसे कहना है कि जो हमारे मसाड़ी के वोटर्स बैठे हुए हैं, उनको देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैं छोटू सिंह को देख रहा हूँ और कौन कौन बैठे हुए हैं, कई दिखाई पड़ रहे हैं. हाँ, छोटू को तो मैं देख रहा हूँ और कौन कौन है सामने में, देखिए सभी तो हमारे परिचित ही बैठे हुए हैं. सबको नमस्ते. अच्छा, बहुत बढ़िया. जरा कैमरा दिखाओ भाई सबको, और थोड़ा कैमरा चलाओ तो जरा देखूं और कौन कौन है. नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते. और कौन कौन है? अच्छा, बहुत नमस्ते. सबों को बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा. कभी पटना आऊँगा, जल्दी आऊँगा. तो अभी तो
पूरे हेल्थ की तैयारी की समीक्षा करूंगा। इतना वादा करता हूं कि अगली बार मसाड़ी का कार्यक्रम बनेगा तो रविकांत आपके यहां भी आऊंगा और पहले से इन्फॉर्म करके आऊंगा। हाँ, और मेरी ओर से जो भी सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। मिस्टर हाई कमिश्नर, समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर यू, आई मे बी ए सीनियर मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट आई मेंटेन ए वेरी वेरी फेमिलियर नॉन प्रोटोकॉल फ्री इंटरेक्शन विथ माई कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके, एंड दैट यू हैव सीन, दे आर माई वोटर्स, देयरफॉर इन माई इंटरेक्शन विद देम देयर इज नो प्रोटोकॉल ऑफ ए सीनियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर माई पीपल एंड आई एम देयर रिप्रेजेंटेटिव, दैट रिलेशनशिप आई ऑलवेज मेंटेन एंड दैट इज हाउ वी ऑल वर्क टूगेदर। देयरफॉर ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, मिस्टर हाई कमिश्नर नचिकेत, मिस्टर जेफरी पिंस, मिस्टर पाइन एंड द टू मेडिकल ऑफिसर्स प्रेजेंट देयर, रविकांत टू यू और मेरे सारे जो मतदाता मसाड़ी के और आसपास के बैठे हुए हैं, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। ईश्वर आपको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रहिए, मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी रखिए। और मैंने अभी चूंकि भाषण दे रहा था, मैंने मास्क उतार दिया, अब मैं आपके सामने फिर मास्क लगाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन।